हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, देख रही हैं कितने खूबसूरत ये प्लांट चल रहे हैं मेरे यहाँ? तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से इनकी खूबसूरती शेयर करूँ मैं। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कुछ एक प्लांट ऐसे हैं जो हम लोगों के पास ऑलरेडी हैं, अभी हमें नर्सरी जाने की नहीं ज़रूरत है। फ्रेंड्स, तो उन्हीं में से कुछ प्लांट है ये, जिन भाई बहनों के पास नहीं है फ्रेंड्स वो नर्सरी जा सकते हैं, और जिनके पास में हैं वो फ्रेंड्स इनमें अपने गार्डनिंग एरिया में इनकी कटिंग्स लगाएं और इनको खूबसूरत बना सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मेरा प्लांटर आप देख रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना टोटली ग्रीन, कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, इसकी खूबसूरती की वजह दो है, एक तो इसमें मैंने सन बेबी रोज़ लगा रखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और दूसरा मैंने फ्रेंड्स इसके आइट साइड आप टर्न वाइन की मैंने कटिंग्स लगाई थी फ्रेंड्स, जो कि निकल के आई हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना खूबसूरत, कितना प्यारा लग रहा है। तो ये इसकी जब ब्रांचेस निकल के आ रही हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो मुझे ये छोटा सा पॉट है फ्रेंड्स मेरा, ये 3 इंचेस का पॉट है फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हम छोटे छोटे पॉट्स में कटिंग्स लगा देते हैं, और जब वो निकल के आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, जैसे कि मेरी ये 3 इंचेस का प्लांटर लग रहा है। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कुछ एक कटिंग्स लगाई थी इससे छोटे से 4 इंचेस के पॉट में, और आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया था फ्रेंड्स कि इस प्लांट को आप थोड़ा सा, वैसे तो जहाँ तक मैंने देखा है कि सब इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने इसको, मेरे यहाँ इतना हो रहा है फ्रेंड्स ये, कि मेरे पास कुछ जगह है शेडी एरिया में जो कि मैं छोटे छोटे प्लांटर्स रख रखे हैं, बट कुछ प्लांट मेरे पास इतने बड़े हैं फ्रेंड्स और उनके लिए शेडी एरिया में जगह ही नहीं है, तो मैंने उन्हें फ्रेंड्स धूप में ही रख रखा है अभी तक। और फ्रेंड्स, ये बहुत खूबसूरत कलर्स निकल के आए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं वंडरिंग ज्यू के। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको बुशी करने के लिए क्या किया है, मैं पिछली कई वीडियो में फ्रेंड्स बता चुकी हूँ कि इसका ये जो देख रहे हैं आप, ये जो इसकी लीव्स आ रही हैं, इसको फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने पिंच निकाल लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं करा था। तो एक साथ जितनी भी ये छोटी छोटी दिख रही हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा प्लांट नहीं और बुशी होना चाहिए, तो आप इसका ये ऊपर का एरिया निकाल दीजिए, बहुत अच्छे से ये बुशी हो जाएगा फ्रेंड्स और ख़ूबसूरत लगेगा, जैसे कि ये 4 इंचेस की प्लांटर में चल रहा है। तो बस काफ़ी है। और मैंने ये कुछ एक प्लांट फ्रेंड्स ऐसे हैं, मैं आपको बताऊं, इन प्लांट को ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र मैंने ज़्यादा क्या, मैंने थोड़ा भी फर्टिलाइज़र दिया ही नहीं है। और फ्रेंड्स, मेरे गार्डन एरिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले जो प्लांट हैं वो यही हैं, कि जिनको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी तरीके की, और बहुत खूबसूरती से चल रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। बस मैंने इसमें जो गोबर की खाद मिला के अपनी गार्डन सॉइल डाल देती हूँ, उसके अलावा सिर्फ पानी डालती हूँ फ्रेंड्स, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चल रहे हैं मेरे ये प्लांट। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे इजी टू ग्रो प्लांट लगाएं जिनकी ज़्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। बॉटल्स में लगाएं, छोटे छोटे मग में लगाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। बास्केट में लगाएं, मैंने इसकी फ्रेंड्स 2 बास्केट न्यू तैयार करी है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जिस दिन भी फ्रेंड्स मेरी बास्केट कंप्लीट होंगी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और मेरा ये प्लांट अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो लाइक करें, शेयर करें, और फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को इजीली मिलती रहे। बाय फ्रेंड्स।